नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन, और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, और इस लोकतंत्र को मजबूती देता है इस देश का कानून और संविधान। देश का संविधान हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार देता है, और इसे संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय का अधिकार देता है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसे इंद्रो खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे, अपने आप में बेहद अहम विषय है, संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत संवैधानिक उपचार क्या है, इस बारे में बात करेंगे। दोनों अनुच्छेद कहते क्या है, क्या स्पेशल पावर्स आपको देते हैं, क्या बेहतर ताकत संविधान के अनुच्छेद आम जनता को देते हैं, इस बारे में आपको बताएंगे। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, स्क्रीन पर नंबर आपके फ्लैश हो रहे हैं, इनमें से किसी भी एक नंबर पर फोन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं हमें कि अगर आपको कोई समस्या है अनुच्छेद 32 या 226 के तहत, उसका निवारण आप चाहते हैं, या फिर अगर कोई और कानूनी उलझन भी आपके सामने है उसमें कानूनी सलाह आप चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। निशुल्क कानूनी सलाह आपको हमारी तरफ से जरूर दी जाएगी। और इस पर चर्चा के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ, उनका तारुफ आपसे के साथ कराते हैं। हमारे साथ परीक्षित शर्मा जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और हमारे साथ औसाफ अहमद खान हैं, अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच। बहुत स्वागत दोनों लोगों का। परीक्षित, शुरुआत आपसे की अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 दोनों कहते क्या है। जी आनंद जी, धन्यवाद। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हैं, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि यदि मैं कहूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको आत्मा कहा जाना चाहिए, सोल कहा जाना चाहिए, हार्ट कहा जाना चाहिए, तो वो यही है जिसको हार्ट एंड सोल कॉन्स्टिट्यूशन का माना जाता है, जिसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा हो, तो उसको आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने की पावर है, और वो जो प्रोवाइडेड रिट्स है, 5 रिट्स प्रोवाइड होती हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस और को वारंटो, सर्शियोरारी और प्रोहिबिशन, ये 5 रिट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है 32 और 226 में। 32 में आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच करते हैं, और 226 में आप हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं। यदि आपके फंडामेंटल राइट को, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, उनको छीना जा रहा है और उन पर सीधा आक्रमण हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आर्टिकल 32 में जा सकते हैं, और यदि इन फंडामेंटल राइट से आपका कोई संबंध नहीं है, तो आप 226 में अप्रोच कर सकते हैं हाई कोर्ट में। हैबियस जी, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन औसाफ अहमद खान साहब, इसमें क्या सिर्फ फंडामेंटल राइट का यानी कि संवैधानिक अधिकार है, अगर उनका हनन होता है तभी अनुच्छेद 32 और 226 का प्रयोग हो सकता है, या इसके अलावा कुछ और ऐसी परिस्थितियां भी रहती हैं जब इनका उपयोग किया जा सके? हमारी आवाज नहीं जा रही है। आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है सर, अपनी बात आप रखिए। तकनीक हमें के चलते आवाज नहीं पहुंच पा रही है औसाफ अहमद खान साहब तक। इस वक्त देवेश हमारे दर्शक जुड़ चुके हमारे साथ फोनलाइन के जरिए। देवेश, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर, मैं ये जानना चाह रहा था जी, ये हमारी पत्नी, दो सिस्टर है, हमारी पत्नी है एक और है, उनकी बहन बड़ी, और वो एक्सपायर कर चुकी है, उनके पिताजी के लड़के नहीं, दो ही बहन थी, छोटी वाली है, बड़ी वाली एक्सपायर कर चुकी है, उनके 3 बच्चे हैं जी। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा था क्या उनके बच्चों का भी शेयर और प्रॉपर्टी में मिलेगा? देवेश, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं पहुंच पाई हमारे साथ, एक बार अपनी बात एक बार फिर दोहराएं आप। देवेश, आपका फोन कट गया, लेकिन आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच चुका है, शायद परीक्षित इनकी बात समझे हूं। जी जी, वो ये कहना चाह रहे थे कि जो उनकी
पत्नी की बहन है वो एक्सपायर कर गई है, तो उनके बच्चों को शायद उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मायके की प्रॉपर्टी का तो बिल्कुल मिलेगा। जो सक्सेसर हैं, यदि जो बहन है यदि या बेटी है यदि वो एक्सपायर कर जाती है, तो उसके बाद में जो उसके लीगल हायर्स होते हैं, सक्सेसर होते हैं प्रॉपर्टी के, तो उनको भी उतना ही हिस्सा मिलता है। ये नया कानून बना है और 2005 या 6 के बाद में इसमें संशोधन किया गया था, उसमें जो बेटियां होती हैं उनको भी समान हिस्सा प्रॉपर्टी का प्रोवाइड किया गया था कि यदि लड़का है तो उसको भी इतना मिलेगा और लड़की है तो उसको भी इतना मिलेगा, चाहे वो एक्सपायर क्यों ना कर गई हो, शादी उसकी क्यों ना हो गई हो, लेकिन उसको उतना ही हिस्सा, उतना ही शेयर उसको प्रोवाइड किया जाता है। जी ठीक है, उम्मीद करता हूँ देवेश आपको बेहतर सहायता मिली इस संबंध में। पश्चिम वही जाना चाहूंगा कि औसाफ अहमद खान से आवाज नहीं पहुंच पा रही है जी जी, कि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकारों तक ही सीमित है इनका उपयोग, या किसी और चीज में भी इसका उपयोग, किसी और परिस्थिति में भी इसका उपयोग किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, और परिस्थिति में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि आप सबसे पहले ही रिट में बता देता हूँ, हैबियस कॉर्पस बंदी प्रतीक्षाकरण रिट, उसको ये बोला गया है कि निर्दु व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो, हमारे सामने लेकर आओ, तो उस ये सीधा जो इसका मीनिंग है हैबियस कॉर्पस का, कि यदि कोई व्यक्ति इल्लीगल डिटेंशन में रखा जाता है, यदि कोई व्यक्ति, कोई ऐसा ऑफिसर, पुलिस का ऑफिसर जो अपनी पावर का मिसयूज करके किसी व्यक्ति को इल्लीगल डिटेंशन में रखता है, तो उस दौरान वो व्यक्ति या तो खुद अपने नाम से या फिर उसका कोई नज़दीकी परिचित व्यक्ति हैबियस कॉर्पस रिट को हाईकोर्ट में लगा के, और वहां पर चाहे उसका फंडामेंटल राइट भी वायलेट ना हो रहा था वहां पे, लेकिन उसको इल्लीगल डिटेंशन में रखा गया है, तो वहां से वो रिट को जारी करा के उस खुद को रिलीज करा सकता है। उसके बाद में मैंडेमस की बात आती है, तो मैंडेमस परमादेश, आदेश जारी किया जाता है किसी ऐसी कंसर्न्ड अथॉरिटी को जो किसी काम को करने के लिए वैधानिक रूप से उसको पावर दी गई है लेकिन वो उसको कर नहीं रही हो। जैसे कि मैंने किसी चीज, कोई अपना लाइसेंस, पिस्टल का लाइसेंस मैंने बनवाना है या कोई आयुध का लाइसेंस जो रख सकते हैं जिसको, उसका मुझे लाइसेंस बनवाना था, लेकिन वो सारा प्रोसीजर मैंने फॉलो कर दिया है जो भी लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा प्रावधान में रखा गया था, लेकिन उसके बाद भी वो जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं, मेरे जो लाइसेंस है उसको मुझे दे नहीं रहे हैं, तो उस दौरान वो मैंडेमस रिट में जाके और उसको जारी करा सकता है, उसके लिए आदेश ला सकता है, परमादेश। इसका मैंडेमस का सीधा अर्थ होता है परमादेश जी। तो आदेश लाकर उसको, बाकी तीन रिट्स के बारे में आपसे हम जानेंगे। सोहन हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सोहन अपनी बात आप रखें। हाँ सर, क्या है कि मेरे पिताजी ने जो मेरे पैतृक जो हमारी जमीन थी उसकी वसीयत की थी सर जी, जो नोटरी से रजिस्टर्ड है, नोटरी करवाई हुई है, और उसमें चार भाइयों ने उसके पक्ष में शपथ पत्र दे रखे हैं सर, और एक भाई ने शपथ पत्र नहीं दिया हुआ है। जबकि जो क्या कि मैं सबसे छोटा था, तो उस समय पिताजी ने जमीन खरीद कर और भाइयों के नाम करवा दी थी, और जो पैतृक जमीन बची थी उसकी वसीयत मेरे लिखकर चले गए थे, और उसके पक्ष में चार भाइयों ने क्या शपथ पत्र भी दे रखा है और नोटरी करवाई हुई थी। हमसे क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि वो हमारे नाम हो सकती है या नहीं हो सकती है, कोर्ट में मैटर इसलिए जरूरी होगा कि जो भी अब तक जो विल बनी है या जो जो चीजें डॉक्यूमेंट्स इस जमीन से संबंधित आपके पास हैं, पहले आप वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी हम तक भेजिएगा, उनको पढ़ने के बाद, उनको देखने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि आपको कोई भी कानूनी सलाह इस संबंध में लोग दे पाएं। वो डॉक्यूमेंट देखने, वो कागजात देखने बहुत जरूरी हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हम लोग जुड़ने के लिए। वापस हम लोग लुक करेंगे परिषद, तीन और रिट्स हैं कि वारंटो सर्टिफिकेट ऑफ प्रोहिबिशन जिनका जिक्र आपने किया था, ये रिट्स क्या कहती है? प्रोहिबिशन में प्रतिषेध, किस ये जुडिशियल रिट भी मानी जाती है। इसमें यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय कोई ऐसा मतलब नैसर्गिक न्याय का पालन ना करते हुए, नेचुरल जस्टिस का पालन ना करते हुए, अपनी अधिकारिता का पालन ना करते हुए, जुडिक्शन दी हुई होती है कोर्ट को, उसका पालन ना करते हुए कोई ऐसा जजमेंट या कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स को कर देती है, तो उसमें जो उसकी सुपीरियर कोर्ट होती है, जो उसकी वरिष्ठ कोर्ट होती है, उसको ये पावर होती है कि वो उस प्रोसीडिंग को स्टे कर दे, उसको रद्द कर दे, और जो जिस व्यक्ति ने उसके, जो व्यक्ति उसको मतलब उस जिससे फेस हो रहा है, जिस व्यक्ति को उसमें प्रॉब्लम हो रही है उस जजमेंट से या उस प्रोसीडिंग से, तो उसके फेवर में वो उसको कर सकती है, और निचली अदालतों को ये सीधा आदेश देने के लिए इसमें प्रोहिबिशन में प्रतिषेध कर सकती है। इसका सीधा अर्थ यही है जी। उसके बाद में इसी से मिलती जुलती एक रिट और है, शर्शियोरारी। शर्शियोरारी भी यही रिट है जो मैंने अभी बताया। इसमें भी यही है कि यदि किसी व्यक्ति, किसी कोर्ट को कोई अधिकारिता नहीं होती, जुडिक्शन नहीं होता, या उसको नैसर्गिक न्याय के तहत उसको निर्णय नहीं होता, या जजमेंट वो इम्प्रॉपर कर देती है, इम्प्यून जजमेंट कर देती है, तो उस दौरान उस रिकॉर्ड को वहां पर, तो जो पहले वाली रिट थी प्रोहिबिशन में, तो उसने उसको रद्द कर दिया बिना मंगाए, लेकिन उसको मंगा के वो उसको रद्द कर देती है, उस जजमेंट को नल एंड वॉइड कर देती है।
लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि रिट्स के बीच में और अनुच्छेद 32 और 226 के बीच में क्या संबंध है? देखिए आर्टिकल 32 सीधा सुप्रीम कोर्ट में हम डालते हैं, आर्टिकल 32 में अप्रोच सीधा सुप्रीम कोर्ट को होती है जहां पे हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं। आर्टिकल 21 में जो हमें राइट दिया है, राइट टू फ्रीडम, उसमें जितने भी राइट्स हमारे हैं, हमारा सांस लेने का अधिकार, हमारा घूमने का अधिकार, हमारा बोलने का अधिकार, हमारा मतलब जो भी अधिकार हमें आर्टिकल 21 देता है, यदि उसका वायलेशन होता है तो हम डायरेक्ट 32 के अंतर्गत रिट में जा सकते हैं। रिट से क्या संबंध है जिनको आपने, जिनके बारे में आपने बताया दर्शकों को जी, रिट से 32 और 226 कैसे संबंधित हैं? रिट से ये आर्टिकल 32 में ही प्रोवाइड होता है कि यदि मतलब यदि आपका कोई ऐसा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है और उसके लिए आप कोई ऐसी एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो इस रिट के माध्यम से आप लगा सकते हैं, वो रिट ही बोली जाती है। और एक बात मैं और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, कई बार आप लोगों को PIL के नाम से कई बार घबराहट होती होगी कि PIL किसी एडवोकेट के थ्रू ही लगाई जाए। यदि आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कानून के विषय में जानता नहीं है, जो ड्राफ्टिंग नहीं करा सकता है, जो एक अमीर एडवोकेट से संपर्क नहीं कर सकता है, तो आप उसके विषय में भी, और उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो आप उसके विषय में एक खाली कागज पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 32 में प्रोविजंस हैं उसके तहत उसकी जो भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है उसके विषय में लिख के और डायरेक्ट आप भेजिए, उसके लिए कोई एफिडेविट की जरूरत नहीं है, तो वो PIL में ट्रीट हो जाएगी। ठीक है, औसम अहमद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ सर अब तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी। ये जुरिस्डिक्शन कैसे डिसाइड होगा कि कौन से मामले अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, ये कौन से मामले अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में जाना चाहिए? यहाँ तक प्रश्न है, आर्टिकल 32 में जो पिटीशंस जाती हैं जी, उसमें उस आदमी का पर्सनल राइट इन्वॉल्व होना चाहिए जी, और पर्सनल राइट का मतलब यह है कि पर्सनली ही कैन मेक द अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और अनुच्छेद 226 के तहत जो फंडामेंटल राइट है, और 226 तहत ऑल द फंडामेंटल राइट्स एंड सिविल राइट्स कैन बी इवोक बिफोर द हाई कोर्ट। ठीक है, लेकिन परीक्षित मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अगर 226 के तहत आप हाईकोर्ट में जाते हैं किसी मामले को लेकर, उस फैसले से जो याचिकाकर्ता है संतुष्टि नहीं मिलती, तो क्या उसी मामले को लेकर वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है? नहीं नहीं, अनुच्छेद 32 में नहीं, वो रिव्यू में जा सकता है। यदि आर्टिकल 226 में यदि उसका कोई भी ऐसा पिटीशन जो भी उसने लगाई है, रिट पिटीशन वगैरह, वो संतुष्ट नहीं होती है, तो उसकी रिव्यू में जा सकता है। उसके बाद में वो SLP में जा सकता है और वहाँ पे उसको प्रोविजंस हैं, वो जैसे सर ने बताया कि सिविल जो सिविल हैं वो इसमें 226 में जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा सर कि एंक्रोचमेंट क्या होता है प्रॉपर्टी के विषय में, या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बराबर में उससे एंडेंजर हो सकता है जो एक आदमी है या आने जाने वाले व्यक्तियों को गिर सकता है, तो उस दौरान वो सिविल रिट में जाके मैंडेमस में जाके उसको तुड़वाने का आदेश दे सकता है, क्योंकि वो NDMC या जो भी कंसर्न अथॉरिटी थी उसको तोड़ने के लिए वो प्रतिबद्ध थी, बाध्य थी, लेकिन उसने नहीं तोड़ा, तो परमादेश आदेश ला सकता है उसको कराने के लिए। ठीक है, इस वक्त रविंद्र हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रविंद्र अपनी बात आप रखिए, रविंद्र आप तक आवाज पहुंच रही हमारी, रविंद्र की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन रविंद्र आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको जल्द कॉल करेगी, आपकी समस्या जानकर आपको बेहतर सलाह जरूर दी जाएगी। औसम अहमद खान साहब, मैं जानना चाहूंगा कि अनुच्छेद 32 और 226 के तहत ऐसी क्या क्या बातें हैं जो हर एक आदमी को, आम नागरिक को पता होनी चाहिए और लीगल जिसका बैकग्राउंड ना हो उसको भी पता हो। आर्टिकल 32 की एक अलग विशेषता है, उसका इसकी कंसर्न जो है सुप्रीम कोर्ट से है जी, हर आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता है, तो अगर अपने किसी फंडामेंटल या किसी लीगल राइट को अगर वो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट ना जाए, तो 226 में उसको एक बड़ा कॉन्वेस मिला है जिसमें उसके न सिर्फ फंडामेंटल राइट बट ऑल द लीगल राइट्स के लिए वो जो है हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है जी। और जहां तक प्रश्न है उसकी इफेक्टिवनेस का, तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में जो पिटीशन फाइल होगी
उसका कोई निदान नहीं है। अगर वो ऑर्डर वहां पर कोई ऑर्डर हो जाता है तो उसमें कोई अपील या इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। वो सीधे सीधे उसको या तो मिलेगा या तो वहां से उसको रिजेक्शन मिला तो उसकी कोई अपील नहीं है जी। लेकिन 226 में आप इस मान लीजिए सर्विस सिंगल जज है तो उसमें डिवीजन बेंच में स्पेशल अपील हाई कोर्ट में इंटर कोर्ट स्पेशल अपील लाई करती है, फिर उसका रिव्यू हो सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं एसएलपी में। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन है कि अपनी बात को आप सही ढंग से कई स्तरों पर 226 के माध्यम से कह सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जी, और हम समझते हैं कि 226 इज मोर पोटेंट एंड वेल वर्स्ट रेमेडी रादर देन आर्टिकल 32। ठीक है, लेकिन परिशीष शर्मा एवरी मैन, बिल्कुल मैं आऊंगा सर आपके पास, परिशीष शर्मा क्या ऐसे मामले भी डिफाइंड है या जुरिस्डिक्शन डिफाइंड है, किसी और तरीके से ये परिधि खींची गई है कि कौन कौन से मामले सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या कौन से हाई कोर्ट में या कोई भी मामला कहीं भी जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, सीधा जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि जिसमें फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है और अपना स्पेशली जो याचिका करता है किसी का भी पीएन भगवती साहब ने सीधा कहा है, जो जस्टिस पीएन भगवती सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने सीधा कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का ऐसा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है और वो सक्षम नहीं है अपने राइट को उठाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा एनजीओ के माध्यम से रिट डलती हैं, पीआईएल डलती हैं, तो उनका खुद का राइट थोड़ी वायलेट होता है। पीआईएल होती क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें लोकहित का जो इंटरेस्ट है वो समावित होता है, और उस कंडीशन में यदि कोई एक अन्य व्यक्ति उसके राइट को उठा रहा है सुप्रीम कोर्ट में जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ था, या कोई ऐसी एनजीओ उठा रही है या फिर कोई ऐसी अप पंजीकृत संस्था उठा रही है, उसमें अप पंजीकृत संस्था भी बोला है, जरूरी नहीं है संस्था पंजीकृत ही हो, तो वो भी उसको सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकती है। और उन्होंने एक बात इतनी अच्छी बोली है कि एक हर आम नागरिक को ये पता होनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आप उसको प्रॉपर फॉर्मेट में डालें, आप एक सिंपल एप्लीकेशन लिख के एक सिंपल पेज पे लिख के उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम भेज सकते हैं और वो आपकी पीआईएल ही ट्रीट होगी। यदि उनको अच्छा लगेगा, उनको प्रॉपर लगेगा, उनको लगेगा कि ये आपका लीगल पॉइंट्स वैलिड हैं, हाँ फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है जी, तो वो डायरेक्ट आपको समन करके वहां पे बुला सकते हैं। मध्य प्रदेश से हरीश हमारे दर्शक, हरीश अपनी बात आप रखिए। नमस्कार सर। नमस्कार हरीश, बताइए। हाँ सर, मैं वचन पत्र पे पैसे देने पर सर सगा भाई को विटनेस गवाह बनाया जा सकता है सर? अपनी बात दोबारा रखिए, वचन पत्र पर आप किसी को पैसे देना चाहते हैं, आगे क्या कहा आपने? हाँ, सगा भाई को गवाह बनाया जा सकता है सर। सगे भाई को गवाह क्या बन, और सर अहमद खान साहब क्या कहेंगे कि ये वचन पत्र के माध्यम से किसी को पैसे देना चाहते हैं, क्या अपने सगे भाई को गवाह के तौर पर रख सकते हैं ये? जहाँ तक इंटरेस्टेड विटनेस की कैटेगरी में आता है, सगा भाई इंटरेस्टेड विटनेस की कैटेगरी में आ सकता है, इसलिए उसके बेहतर होगा कि वो सगे भाई को गवाही में न रखे। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो गवाही में रखा जा सकता है, कोई उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन बेहतर है कि वो इंडिपेंडेंट विटनेस हो जिसमें ये आक्षेप न लगे कि ये इंटरेस्टेड विटनेस था इसलिए इसने जानबूझ कर झूठी गवाही दी। एक और सवाल इस बीच में आता है सर कि गवाह कितने होने चाहिए, फायदा पहुंचाने के लिए रहना ठीक रहता है, गवाहों के नंबर 2 या 3 भी होने चाहिए? गवाह एक भी काफी हो सकता है, लेकिन बेहतर है कि 2 गवाह हों। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर इस बारे में जानकारी मिली होगी हरीश, और अगर कोई और दिक्कत आपके सामने आती है तो वापस आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। परशीष शर्मा, जाना चाहूंगा कि इस मामले के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं होती जैसे आपने कहा, और इसमें इंसान अपने आप ही लेटर लिखकर सीधे अपनी पीआईएल सामने रख सकता है, लेकिन आगे जब सुनवाई होगी तो उस वक्त प्रोसीडिंग कैसे होगी फिर अगर वकील नहीं होगा? यदि वकील नहीं होगा तो उसको सीधी, देखिए कई बार हमने देखा है कि सीधा समन करके कंसर्न कोर्ट उसको बुला लेती है और उसकी समस्या को सुनती है, तो उस समय उसकी समस्या को सुनने के लिए किसी वकील की आवश्यकता वहां पे नहीं होती है, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दिए जाते हैं और जिस भी संस्था ने या जिस भी गवर्नमेंट बॉडी ने उसका दोहन किया है, उसके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है, तो उसको सीधा समन करके उसको भी बुला लिया जाता है और पुलिस के थ्रू स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी जाती है। तो वो इस प्रोसीडिंग में कहीं भी एडवोकेट की आवश्यकता यदि नहीं होती, मतलब जज नहीं समझते, तो वो वहां पर बिना एडवोकेट के भी कार्रवाई हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसमें हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पड़े बिना न्याय की सीधी व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया परशीष शर्मा और औसाफ अहमद खान साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आर्टिकल 32 और 226 के बारे में दर्शकों को प्राथमिक जानकारी कम से कम पहुंचाने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हमारा एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को
बेहतर और समान रूप से न्याय मिले, संबंध में कोई भी दिक्कत आपके सामने आती है तो आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रोग्राम के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह आप हमसे ले सकते हैं। नमस्कार।